In this module, we will discuss briefly the structural hierarchy of proteins. The structure of proteins, four levels of protein structures are commonly defined, which are levels concern primary structure, secondary structure, tertiary, and quaternary structure. This is the structure hierarchy of proteins. This is the diagrammatic presentation of a structure hierarchy of proteins. प्राइमरी स्ट्रक्चर में वी कैन सी हियर दैट दीज आर दी अमाइनो एसिड सीक्वेंस के लाइसिन लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन ल्यूसिन वे अगर इसका कोई भी स्ट्रक्चर आपस में चेंज हो जाता है एक लाइसिन चेंज हो जाता है से वे के साथ तो इसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोटीन का तो सिमिलरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो है ये जिस तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसकी फोल्डिंग है उसकी जो है ना स्पेस में कन्फिग्रेशन है विच इज़ इन दिस फॉर्म इट इज़ अल्फा वी विल डिफाइन एंड डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स के इसके अंदर बीटा शीट्स भी होती हैं सिमिलरली इसकी थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है पोलीपैप्टाइड चेन का अगर उसको थ्री डायमेंशनली यहाँ पे इसको फॉर्म कर दें तो इट विल फॉर्म दी स्ट्रक्चर अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं एक ये है एक ये रेड कलर में जो यहाँ नजर आ रही है और ये आपस में मिल जाएँ और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लें तो उसको हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहते हैं द प्राइमरी स्ट्रक्चर दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द कोवलेंट बॉन्ड्स मेनली पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड द सल्फाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विच आर द लिंकिंग अमाइनो एसिड डाइजीड्यूज इन अ पोली चेन इज़ इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है कि जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं या कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जो कि पेप्टाइड भी हो सकते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड्स एक वन आफ्टर दी अदर लिंक जिस तरह हो रहे हैं और ये जिस सीक्वेंस के साथ लिंक हो रहे हैं ये सीक्वेंस जो है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में भी अगर आ रहे हैं या स्लाइटली डेविएटेड भी है तो ये जो सीक्वेंस है स्ट्रक्चर का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्यूस के किस सीक्वेंस में है लाइसिन लाइसिन वेलाइन जिस तरह हमने देखा है पीछे डायग्राम में अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो इसका जो है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन का जो है फंक्शन वो चेंज हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस द स्ट्रक्चर विच रेफर्स टू दी पर्टिकुलर स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज गिविंग राइज टू रिक्रिंग स्ट्रक्चर पै पैटर्न के जो अमाइनो एसिड का इनिशियल सीक्वेंस है उसमें कौन कौन से अमाइनोसिड्स हैं वो डिफाइन करते हैं उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कि वो अल्पाहीलैक्स बनाता है या बीटाशीट्स बनाता है अगर वो आपस में उनकी स्टेरिकंड्रेंस और उनकी जो है इंट्रैक्शन आपस में जो हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका डिफाइन होता है थर्ड स्ट्रक्चर हर आर की इज स्ट्रक्चर को हमने जिस तरह डिफाइन किया है ट्रस्टी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पोली पैप्टाइड के ये पोलीपैप्टाइड जो है जिसमें हंड्रेड टू थाउजेंड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं और अमाइनोसूं हैं ये थ्री डायमेंशनली जिस तरह आपस में जो है ना वो स्पेस में थ्री डायमेंशनली जिस तरह ये आपस में जो है वो स्ट्रक्चर बनाएगा दिट इज नोन एज दशी स्ट्रक्चर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या है कि अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं दो तीन चार वो आपस में थ्री डायमेंशनली जिस तरह लिंक होंगी तो वो उसका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा वेन अ प्रोटीन हैज़ टू और मोर पोलीपैप्टाइट चेंस सब यूनिट्स देयर अरेंजमेंट्स इन स्पेस रेफर्स टू द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के पोलीपैपटाइट चेन दो से ज़्यादा हैं दो तीन चार पाँच जितनी भी हैं और वो आपस में थ्री डायमेंशनली जिस तरह मिल जाएंगी उसके मिलने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ नोन एज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर एज वी हैव सीन इनिशियली के ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं जैसे वी कैन सी ग्लूटामिन आर्जिनीन फलाइन फिनाइल एलानिन एंड ग्लाइसिन दिस इज दी एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हमने डिफाइन किया था द्रैक्ट्रिस्टिक स्ट्रक्चर दैट अकर्स इन मैनी प्रोटीन्स लाइक अल्फ़ा हिल्स एंड बीटाशीट्स कि ये अल्फ़ा हिल्स ये जिस तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से ये आपस में जो कन्फिगोरेशन बना रहा है स्पेस में ये अल्फ़ा हिलेक्स और बीटा शीट्स दो डिफरेंट किस्म की इसकी फॉर्मेशन हैं वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स दिस इज स्ट्रक्चर। इसी तरह ट्रस्टरी स्ट्रक्चर क्या है कि अगर इसी स्ट्रक्चर को ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको थ्री डायमेंशनली हम इसको प्रोटीन को फोल्ड कर देंगे जिस तरह एक्स वाई और जेड एक्सिस पे तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा तो ये थ्री डायमेंशनल इसकी कन्फिग्रेशन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की है या प्राइमरी स्ट्रक्चर की है जो सीक्वेंस है वो थ्री डायमेंशनली अगर फोल्ड होता है एक दूसरे के ऊपर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का तो वो कहलाएगा टर्शी स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि अगर चार पाँच छः दो दो से ज़्यादा मतलब वन से ज़्यादा टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन जितनी भी जो है ना वो पेप्टाइड चेंज़ हैं वो आपस में जिस तरह फॉर्म होंगी स्पेस में उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनेगा दिस इज नोन एज क्वार्टनरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंपोज ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स एज वी हैव डिस्कस्ड दिस इज एन अदर डायग्राम प्रेजेंटिंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी के प्राइमरी स्ट्रक्चर वो वाला है कि जिसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस सिर्फ डिफाइन हो रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें ये आपस में क्वाइल फॉर्म में बना सकते हैं दीज आर नोन एज अल्फ़ा हिल्स इसी तरह ये बीटा प्लीटेड शीट्स बन सक, बन जाती हैं और ट्रश स्ट्रक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि ये बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये थ्री डायमेंशन में जिस वक्त चली जाती हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड तो ये थ्री डायमेंशनल इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो ट्रशी स्ट्रक्चर है लेकिन ये सारा कुछ डिफाइन हो रहा है एक सिंगल पेप्टाइड चेन पे अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स चेन हैं जो इस डायग्राम में है तो ये क्वार्टर स्ट्रक्चर बनाएंगी इसमें वी कैन सी दैट एक रेड है एक येलिश है एक ग्रीन है एक ब्लैक है तो चार एक ये ग्रीन है तो ये चार पाँच छः डिफरेंट जो है ना मल्टीपल सब यूनिट्स अगर आपस में थ्री जो है ना वो थ्री डायमेंशनली Range onge due to their interactions of the polypeptide chains, so that will form a quaternary structure of the protein.